सिर्फ तीन। ये तीन बातें अगर आप लोगों ने ध्यान रखी अपने एग्जाम लिखते वक्त, ये तीन बातें अगर आप लोगों ने अपने दिमाग में डाल ली कि अगर मैं करूंगा तो मैं ये चीजें फॉलो करूंगा, अगर आप ये चीज कर पाए देन डेफिनेटली आपको प्रेजेंटेशन में प्रो लेवल पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। अगर ये बातें आप लोग समझ गए और मान गए, आओ जरा मैं इन सभी बातों को बहुत ढंग से आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पर सबसे पहली चीज आपको बता दूं, ध्रुवी सिंह जो कि 2020 की टॉपर रही हैं, उनके बारे में सबसे पहले बता दूं कि हर सर सेड दैट द शी फॉलोड द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई टू द पॉइंट, स्पेशली द मार्किंग स्कीम सॉल्यूशन। फिर उसके बाद इट हेल्प्ड हर फॉर आंसर्स बेटर टू इजीली स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर पता है, डजेंट मैटर आपको वो आंसर पता है, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको पूरे मार्क्स तब मिलेंगे जब आप प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को, और उस प्रेजेंटेशन में जो तीन पॉइंट अब मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, नोट्स में लिख लो, खुद से पेन से लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, लिख करके भाई अपनी कॉपी के आगे लिख लो, बैग पे चिपका दो। लेकिन ये तीन बातें आप लोग जरूर से ध्यान रखना, और वो तीन बातों में से पहली बात बच्चों क्या है, पहली बात है डोंट जस्ट क्रिबल समवेयर टू कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेशन ऐसे नहीं करनी है कहीं पर भी जगह मिली और धैर्य धैर्य कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अगर कहीं पर लिखा आ रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज में मल्टीप्लाई होगी तो वहां पर मल्टीप्लाई करो और एक एक करके वहां पर कैलकुलेशन के सारे पार्ट्स आपको दिखाने होंगे। ये नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास कि आप लोगों ने कुछ इस तरीके से कर दिया। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना कि मान लीजिए x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू -1 लिख दें कहीं जा करके, ये गलत हो जाएगा भाई लोग। कैलकुलेशन पूरा प्रॉपर यहां पर दिखाओ, कटिंग ना मत करना, और कटिंग हुई तो मैं बताता हूँ कैसे करना है उसको सॉल्व। तो भाई सबसे पहले तो क्या करना है आपको, प्रॉपर सोल्यूशन दिखाना होगा। हाँ बात करते हो अगर रफ वर्क की, तो रफ वर्क कहाँ करूं भाई, जो भी शीट पहली मिलेगी उसके आखिरी की दो पन्ने साइड में रख लेना, और जो भी रफ वर्क करना है पेपर के हिसाब से, मैथ्स है तो 2 पेज रख लेना, साइंस है तो 1-1.5 पेज रख लेना, इट्स ऑल अप टू यू। और लेकिन उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख देना दिस इज रफ वर्क, वहां पर जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो आपकी अलग कर दी जाएगी, वो आपको सीबीएसई के जो एग्जामिनर होंगे, जो चेकिंग कर रहे होंगे, जो चेकर होंगे, वो आपको जज नहीं करेंगे उसमें, वो आपने अलग से स्पेस बना रखा है अपना, वहां कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन शीट पे कहीं पर भी कोने कोने में ना करें, और वहां पर भी गलतियां कम करें जो मेन आपकी शीट रहेगी। अच्छा फिर उसके बाद मेक श्योर यू शो अ डायग्राम। भाई डायग्राम अगर बन सकता है जरूर बनाना। कुछ बच्चों का कमेंट आया था, कह रहे थे सर अगर डायग्राम नहीं बनाया तो। भाई क्यों नहीं बनाओगे, अभी तुम्हें बता तो दिया हमने कि डायग्राम बनाना है, तो क्यों नहीं बनाओगे डायग्राम? डायग्राम बनाना है बच्चों, डायग्राम बनाना जरूरी भी है हमारे लिए, उससे प्रेजेंटेशन अच्छी जाती है। और उसके बाद भी अगर आप डायग्राम बना लेते तो भी काम खत्म नहीं होता, उसके बाद भी आपको एक और बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा, और वो जरूरी काम होगा फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज का लिखना। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ता हूं, बिकॉज इन केस यू मिस कैलकुलेट। अब देखिए मान लीजिए अब आप पूरी कैलकुलेशन वहां पर करके दिखा रहे होंगे शीट में, वहां पर कहीं कोई गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने वहां पर कहीं पर ये देखिए मैंने मान लीजिए वहां पर सचिन लिख दिया, तो अब इसे ना ये ऐसे मत करने लग जाना यार प्लीज। हाँ आपको अगर जैसे आपने यहां पर लिख रखा है तो आप उसे क्या करेंगे, इस तरीके से कट कर दीजिए, इस तरीके से कट कर दीजिए। मतलब एक डिसेंट वे लगना चाहिए कि हाँ भाई ये पढ़ने की चीज नहीं है, ये मत कर देना कि पेज खराब करने वाली चीज बन जाए। तीनों बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात क्या है कि हम लोग जहां कहीं पर भी कैलकुलेशन करके दिखा रहे होंगे, कहीं पर भी सॉल्यूशन करके दिखा रहे होंगे, सारे स्टेप्स होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए इसके बाद जादू हो गया, अचानक से आंसर आ गया, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के साथ साथ आप फॉर्मूलाज भी लिखेंगे। तीसरी बात, बिकॉज अगर मिस कैलकुलेशन हो गई है तो कटिंग जो है वो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर इन तीन बातों को ध्यान में रखोगे तो पेपर में आप कुछ भी नहीं तो 40 नंबर के पेपर में 3 से 4 नंबर आप यूं उठा लोगे, बिना किसी चीज के, बिना किसी चीज के यूं उठा लोगे आराम से। तो बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो इसके बाद मैं आप लोगों को एक और जरूरी बात बताता हूं, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बच्चों, कि आप लोगों को हम लोगों ने फ्री सैंपल पेपर दे दिए, 35 से भी ज्यादा सैंपल पेपर हैं, और उनका वीडियो सोल्यूशन, उनका पीडीएफ सोल्यूशन भी है, ठीक है, और PYQ वीडियो सोल्यूशन भी दे दिया आप लोगों को हम लोगों ने, हमारी केल्विन लाइव ऐप में ये सब कुछ। ई बुक भी दे दी हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट बुक और फॉर्मूला बुक। अब हम लोगों ने चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे दिए। इसके अलावा भी मैं बता देता हूं, अगर किसी बच्चे कोई बच्चा जा रहा हो तो मैं आपको उसको बता देता हूं, भाई जो वन शॉट है ना मैथ्स के, साइंस के, SST के जो वन शॉट्स हैं, इन वन शॉट्स के वीडियोस वीडियोस
एंड उनका पीडीएफ, ये दोनों की दोनों चीजें हम लोग इसी पैकेज में डाल रहे हैं। आपको करना क्या है, केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर वाले बटन पे जाना है, वहां से पीवाईक्यू वाले सेक्शन में जाना है, पीवाईक्यू वाले सेक्शन से आपको आगे बढ़ना है और कंटेंट में जाना है। वहां पर आप लोग देखेंगे वन शॉट के नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जाएंगे, वहां पर आप वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर आप लोग पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। तो यही सारी की सारी चीजें आपको करनी है एंड आपको टॉपर बनने से अब कोई नहीं रोकने वाला है। टेंशन मत लो, बस आगे बढ़ो और पढ़ते रहो और आपको ही टॉपर बनना है। सो एक बार अपने नाम के साथ टॉपर जरूर लिख करके जाना कमेंट में। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक और 500 कमेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट।